Hello everyone, welcome back to my channel and today's video. तो आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है. हम देखते हैं कि आजकल जो है डार्क सर्कल्स की जो प्रॉब्लम है वो बहुत ही कॉमन है और हर एज फैक्टर के लोग इससे जो है इफेक्टेड है. तो इसलिए मैं इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेकर आई हूँ और डार्क सर्कल के लिए मैं एक बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी जो है आपको बताने वाली हूँ. रेमेडी क्या, ये आईज का पूरा एक ट्रीटमेंट ही है. इसमें मैं आपको आई पैक भी बताऊंगी एंड आई जेल भी बनाकर बताऊंगी कि आप किस तरह से उसे बना सकते हैं घर पे ही 0 रुपीस के खर्च में. जो घर में जो सामान हमारे पास में मौजूद होता है उसी से हम किस तरह से अपनी आईज के लिए जो है बहुत ही अच्छा पैक और जेल तैयार कर सकते हैं जिससे कि आपके जो डार्क सर्कल्स हैं वो धीरे धीरे रिमूव हो जाएंगे. ये ट्राइड एंड टेस्टेड जो है रेमेडी है और 100% इफेक्टिव है. और अगर आपको इम्प्रूवमेंट नजर आती है तो फिर आप मेरे साथ में अपने जो अपना जो एक्सपीरियंस है वो जरूर शेयर कीजिएगा. तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे हिट कर लें ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो मिलती रहे. क्योंकि मैं यहाँ पर आपके लिए बहुत ही यूजफुल इंफॉर्मेशन लेकर आती हूँ, बहुत जो कि स्किन से रिलेटेड हो, कुकिंग से रिलेटेड हो, या फिर आपके होम डेकोर से रिलेटेड हो, या फिर आपकी जो है वियरिंग से रिलेटेड हो. तो मैं हर तरह की वीडियो आपके साथ में शेयर करती हूँ. तो आप हमारी जो पूजा जी क्रिएटिव ट्यूटोरियल फैमिली का हिस्सा जरूर बनिए. तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं कि ये बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी जो है किस तरह से तैयार करनी है. तो इसे बनाने के लिए सबसे पहली जो चीज़ हमको चाहिए वो है ये मलाई, फ्रेश मलाई. और इसका आप एक स्पून यहाँ पे ले लीजिए एंड आफ्टर देन हम इसमें ऐड करेंगे ये कॉफ़ी पाउडर. और ये आपको पता ही है, इसके बारे में कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें कितनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं. इन शॉर्ट ये हमारी स्किन को लाइट करती है और ब्राइट करती है. तो हम इसका जो है एक चम्मच इसमें ऐड करेंगे. तो बस हमारी सिंपल सी दो चीज़ें हैं बट बहुत ही इफ़ेक्टिव है. अब हम क्या करेंगे कि इसको अच्छी तरह से जो है मिक्स कर लेंगे ताकि ये एक दूसरे में अच्छे से ब्लेंड हो जाए. ये थोड़ा टाइम लेगी बट आपको इसे करना है ताकि इसमें कोई भी लम्स ना कॉफ़ी के. तो 2 से 3 मिनट तक इसको अच्छी तरह से ब्लेंड करने के बाद ये हमारी जो क्रीम है बहुत अच्छे से रेडी हो जाती है. ये देखिए इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल इस तरह से हो जाता है. तो अब ये हमारी जो क्रीम है ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है. अब हमें तैयार करना है आईज के लिए जेल. तो जेल बनाने के लिए हमने जो है सबसे पहले हम जो यूज करेंगे चीज वो है आलू का ये जूस. और इसे हमने जो है 2 घंटे पहले जो है निकाल के रख दिया था क्योंकि हमें जो है इसका स्टार्च यूज़ करना है एक्चुअली. तो स्टार्च बनाने के लिए हमें जो है आलू का जो जूस है उसको 2 घंटे तक के लिए ऐसे ही छोड़ देना होता है. उसके बाद जो है इसका स्टार्च जो है वो नीचे बैठ जाता है और अब जो वाटर है उसको हम धीरे से इस तरह से बाहर कर देंगे. स्टार्च जो है हमारा नीचे हमें मिल जाएगा. ये देखिए हमने वाटर निकाल लिया है और सिर्फ स्टार्च को लेना है. ये वाटर हमारा बेकार नहीं है, इसमें हम कोई और रेमेडी तैयार कर सकते हैं, फेस पैक वगैरह. तो ये जो स्टार्च है
इसमें भी हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून कॉफ़ी, 1 टीस्पून ऑफ एलोवेरा जेल। आप फ्रेश एलोवेरा जेल भी ले सकते हैं। तो अब हमने ले लिया ये 1 टीस्पून एलोवेरा जेल। अब हम इन तीनों चीजों को भी अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। जब तक कॉफी के सारे लम्स खत्म नहीं हो जाते, तो इसे अच्छी तरह से ब्लेंड करने के बाद आप देखेंगे कि आपके ये जो तीनों इंग्रेडिएंट्स हैं वो एक फाइन स्मूथ एंड फ्लफी जेल में तब्दील हो चुके हैं और आप ये यूज करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। तो देखिए, अब मैं बताती हूँ कि करना क्या है। आपको ये क्रीम लेनी है और ये अपनी अंडर आई पे अच्छे से अप्लाई करनी है, ठीक है। थोड़ी हल्की सी मसाज करके इसे अपनी आंखों के नीचे अच्छे से लगा लीजिए और उसके बाद अपना काम करते रहिए जो भी है। तो कम से कम आधा घंटा आप इसे अपनी जो है अंडर आई पे लगा के रखिए। उसके बाद आपने इसे जो है नॉर्मल वाटर से वॉश कर लेना है। तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके जो डार्क सर्कल्स हैं वो लाइट होना शुरू हो जाएंगे। ये आपको डेली करना है। एंड रात को सोने के वक्त आपको क्या करना है कि अपने फेस को वॉश करके और अपनी अंडर आईज पे ये जो जेल है इसे अच्छी तरह से इससे मसाज करनी है और ओवरनाइट आप अपनी आईज पे इसे लगे रहने देना है आपको, और मॉर्निंग में आप अपनी आईज को वॉश कर लीजिए। तो आपको इसका जो फर्क है वो विद इन 7 डेज आपको जो है पता लग जाएगा कि आपकी जो डार्क सर्कल्स है उनमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ चुकी होगी और वो काफ़ी लाइट हो जाएंगे। बाकी डिपेंड करता है आपकी स्किन के ऊपर कि कैसी है और किसी को कैसे मतलब वर्क करता है कितने टाइम में, बट ये वर्क करता है ज़रूर और ये बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है। सो इसमें पैक भी है और इसमें जेल भी है, ओवरनाइट लगाने के लिए भी है एंड एज अ पैक फॉर 30 मिनट्स के लिए भी आप इसको अप्लाई करेंगे साथ में। तो दोनों चीज़ें मिलकर आपकी जो अंडर आई एरिया है उस पर बहुत ही अच्छे से वर्क करेगा। एंड एक टिप मैं आपको और देना चाहूँगी कि व्हेन मॉर्निंग में जब आप उठते हो तो आप जो है जैसे आपने ये आईज़ को वॉश किया, आपने ये रात को अप्लाई किया है और मॉर्निंग में आपने इसको वॉश किया, वॉश करने के बाद सबसे पहले आप एक आइस क्यूब लीजिए और उसको अपने जो है आइस के चारों तरफ यानी घुमाइए कॉटन में रख के, और उससे आपको बहुत ही अच्छा फील होगा और बहुत ही तेज़ी से जो आपके जो डार्क सर्कल्स हैं वो रिमूव होंगे। तो अगर हो सके तो आप ये भी कर सकते हैं कि जो गुलाब जल होता है उसको आप आइस उसके आइस क्यूब्स बना लीजिए। अगर आप उन्हें अपनी आइस पे यूज़ करते हो तो बहुत ही अच्छा है, अदरवाइज़ आप नॉर्मल वाटर जो भी मतलब आइस क्यूब्स जो वाटर के होते उसे भी यूज़ करेंगे तो भी आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो गाइस देखा आपने कि ये रेमेडी कितनी ईजी है बनाने में, आप इसे ज़रूर बनाइए और ट्राई कीजिए क्योंकि ये बहुत इफेक्टिव है और आपके जो डार्क सर्कल्स हैं वो बहुत जल्दी रिमूव होने वाले हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मैं मिलती हूँ आपसे मेरी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए प्रोजेक्ट के साथ में। तो टिल देन हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।